Hello friends, welcome to Chikitsak Revolution. Today we are discuss cytology. अब देख रहे हैं cytology में लगातार आप लोग पढ़ते जा रहे हैं. चलिए नोट्स निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए. देखिए मैं बताया था पिछले क्लास में आप लोग बताया था मैं आपको कि एक साइट एक सेल के अंदर क्या क्या पढ़ना है. तो आप देखे थे कि सेल के अंदर मैंने बताया था कि एक एरोटिक सेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है और एक प्रॉपर एंड ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ना था. ओके, आप जान भी चुके हैं. और मैंने बताया आपको कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है. सेल का डिफिनेशन में बताया आपको कि सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल और हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. एक मैंने आपको बताया कि हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, क्लियर है, आप समझ चुके हैं. फिर उसमें मैं आपको बताया कि सेल थ्योरी आज के क्लास में मैं आप एक्सप्लेन करूंगा. देखिए सेल की ऐसी बात करते हैं कि डिस्कवरी आती है. ठीक है, मैं बताऊँ 100% एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन भी नहीं बता पाऊंगा आपको. मैं 100% एनसीईआरटी चलेगी. डिस्कवरी ऑफ सेल में फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. डिस्कवर्ड आप जान चुके हैं कि सेल का डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक साहब है. ही ऑब्जर्व डेड सेल इन सिलिका. इन्होंने कहा देखा, डेड सेल इन सिलिका में देखा. थ्रू सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उन्होंने क्या किया, सेल का डिस्कवर किया. वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है कि ऑब्जर्व डेड सेल इन सिलिका ऑफ कोर्स थ्रू सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, अगर आप लिविंग सेल की बात करोगे फर्स्ट, तो आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक. एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब ने वेरी जीनियस साइंटिस्ट. इन्होंने लिविंग बैक्टीरिया का खोज किया, इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया, इन्होंने फिर स्पर्म वगैरह का भी खोज किया. एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब, वही मैं लिख दिया कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब. ओके, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोज किया. ओके, तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया. टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय जे फुरकिंजे. जे फुरकिंजे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म का. तो प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय जे फुरकिंजे. ओके, अब टी एच हक्सले ने उन्होंने बताया कि सेल है. टी एच हक्सले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा मैटर है जो कि इसको कह सकते हैं हम क्या कि प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ आवर लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ. ये स्टेटमेंट कौन दिए थे, टीएच हक्सले साहब ने दिए. तो टीएच हक्सले साहब का क्या एक्सपेरिमेंट आया, क्या स्टेटमेंट आया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ आवर लाइफ. क्लियर है. अब यहाँ पे बात आती है कि सेल थ्योरी. देखिए सेल थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेल थ्योरी कौन दिया, कब दिया, किसने दिया, कहाँ पे देने वाले थे, उनकी उनकी बैकग्राउंड क्या रही है, ये सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे करेंगे. तो देखिए मैंने बताया आपको कि सेल थ्योरी गिवन बाय मार्टिन सलाइडेन जो कि अपने आप में कहाँ के थे, जर्मन के थे, लेकिन ये अपने आप में बोटेनिस्ट थे. अब बोटेनिस्ट जो आप बेसिक लेक्चर देखे उसमें बता चुका हूँ बोटनी क्या होता है, जियोलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ बोटनी कौन है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, सारा सारा मैं बेसिक लेक्चर में बता चुका हूँ. ओके, अब यहाँ देखिए सेल थ्योरी के बाद दो साइंटिस्ट आए. पहला है मैथिस सलाइडेन साहब आए, दूसरा थ्योरी स्वार्म साहब आए. मैथिस सलाइडेन साहब जो थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, जर्मनी के थे, और उनकी जो अपने आप में जो डिग्री थी बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी की जो डिग्री थी उनकी, वो बोटेनिस्ट थी. लेकिन जो स्वान साहब थे, छोटे स्वान साहब थे, वो क्या थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, है ना. ये जर्मन कंट्री के थे और ये ब्रिटिश कंट्री के थे. तो स्वान साहब क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे. ये कब आया, 1838-1839 में, 1838 से लेकर 1839 में आया. तो क्लियर है. तो इसमें आप लोग क्या देखिए, डिस्कवर कौन किया, ऑब्जर्व किसने किए, है ना, फर्स्ट लिविंग सेल कौन दिया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, जयपुर किन साहब ने क्या निकिसा खोज किया, अल्फांसो कोर्टी ने क्या किया, है ना, प्रोटोप्लाज्म की द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन्होंने टर्म किसने दिया. तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखें. क्लियर है. अब देखिए सेल थ्योरी में मैं बता दिया कि सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कब दिए, उनकी क्या एजुकेशन थी, ए तो आप लगातार नोट्स बनाइए. ओके, तो सेल थ्योरी स्टेटमेंट आपको पता है कि सेल थ्योरी स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है. देखिए सेल थ्योरी का स्टेटमेंट यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे सारे बने हुए किसमें, बने हुए सेल से बने हुए हैं और उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही कहा कि सेल थ्योरी स्टेटमेंट क्या दिया, तो बताए होंगे ना,
जैसे कि मैथियस अलाइड एंड स्वेडर शॉल दोनों छिलछुरी दिए, फिर छिलछुरी क्या उन्होंने बताया, उनकी स्टेटमेंट क्या थी, तो उनके स्टेटमेंट में वही लिखाऊंगा यहाँ पे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होंगे और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होंगे, ठीक है। ईच सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड्री कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक सेल होंगे उनका एक पर्सनल एक मेम्ब्रेन बाउंड्री होगा जिनको उन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका फीचर क्या होता है ना, ये लिविंग है या नहीं है, तो ये सब डिस्कस करेंगे लगातार आगे वाले लेक्चर में। तो ये बता दें, ईच सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी जो सेल होंगे ना वो पुराने वाले सेल से ही बने होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी नए सेल बने हैं वो पुराने ही सेल से ही बने हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स इंसान मिलेगी, हम लोग भी कहां से आए, हम लोग अपने मदर फादर से आए, हमारे मदर फादर कहां से आए हो, उन्होंने अपने मदर फादर से आए होंगे, तो क्या आप देखने के लिए वहां भी इस तरह का कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं। तो साइकोलॉजी में भी सेल में भी उन्होंने बताया कि यहाँ भी इस तरह का नेचर मिलता है, जैसे देखिए यहाँ कि ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल होंगे ना पुराने वाले सेल से ही बने होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि बताया कि ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। फिर बताया कि सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है जीवन की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो भी बताऊंगा मैं आपको 20 पॉइंट एनसीआरटी, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जो कंपटीशन में भी पूछता है ना, जो स्कूल वगैरह का जो फर्स्ट ट्रैप एग्जाम होता है, सेकंड ट्रैवल एग्जाम होता है, उसमें पूछेगा है ना। अब ध्यान दीजिए एन ओवर सेल में क्या है, आप बात करेंगे सेल वाल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल ऑर्गन के बारे में, अरे यही तो है साइटोलॉजी का आप लोग मजा यार, है ना। कहते हैं ना कि लाइफ में जो आपको पढ़ाई से मोहब्बत होगी ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, इसलिए आप अपने किताबों से रिश्ता जोड़िए, अपनी किताबों से दोस्ती बनाइए, है ना, वही आपको आगे चल के क्या है आपको अच्छे मार्क्स मिलाएंगे, अच्छे नंबर मिलाएंगे, और आपको टॉपर लेवल पर बनाएंगे, क्लियर है। याद रखिए मेहनत वो लोग ऐसी ताकत होती है जो इंसान को आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, है ना, इसलिए मेहनत से मोहब्बत कीजिए, मेहनत से प्यार कीजिए, अपने पुस्तकों से किताब प्यार कीजिए, अपने राइटिंग से प्यार कीजिए, अपने पढ़ाई से प्यार मोहब्बत कीजिए। तो यहाँ देखिए तो ये चीजों के मैंने बता दिया आपको लगातार कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल, क्लियर। ईच सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड इसको बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो भी पॉइंट एनसीईआरटी है बताया तुम्हें कि आपको मैं 100% एनसीईआरटी दूंगा, 100% एनसीईआरटी। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको उन्होंने रॉबर्ट हक्सले बताया कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। फिर एनओवी ऑप्शन में क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि एनओवी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है। अब आने वाले क्लास में मैं बताऊंगा कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म क्या किसको कहते हैं, और सेल ऑर्गन क्या होते हैं। बिल्कुल साइटोलॉजी को हम लोग इतने अच्छे से समझ पाएंगे ताकि हमारा एनसीईआरटी क्या हो, लगातार कंप्लीट हो जाए, खुद पॉइंट कंप्लीट हो जाए, लाइन टू लाइन कंप्लीट हो जाए, आउट ऑफ द पॉइंट, इन लाइन बिटवीन पॉइंट, सारा कुछ एनसीईआरटी को हम लोग कर लेंगे। कहते ना कि एनसीईआरटी कर लो मुट्ठी में, वही अपन लोग भी वही काम करेंगे। तो क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर होगा हुआ, तो आप लगातार नोट्स बनाते रहे और आने वाले लेक्चर जो बनाऊंगा वो रहेगा आपका पे सेल वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, पे साइटोप्लाज्म पे, सेल ऑर्गेनेल्स पे, तो आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।